तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। मुंबई के लोअर परेल इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप, आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद दमकल विभाग की कई गाड़ियां। यूपी के बाराबंकी में चलती बस में आग लगने से मचा हड़कंप, सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी बचाई जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेट्रोल पंप के पास एक गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। उत्तराखंड के जसपुर में एक लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के आगरा में एक कार में आग लगने से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, देखते ही देखते पूरी आग जलकर हुई राख। फरुखाबाद में एक जूते की दुकान में लगी भीषण आग, आग में जलकर दुकान के अंदर का सारा सामान जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के पानीपत में लाखों रुपए का बिल आने से परेशान एक आदमी ने अनोखा प्रदर्शन किया, बिजली विभाग के दफ्तर के सामने भैंस बांधकर बीन बजाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा, अतिक्रमण हटाने का लोगों ने किया विरोध, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को मेयर ने वापस जाने का फरमान सुनाया। यूपी के गोंडा में एक ट्रक ने दो मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ यह पूरा हादसा। यूपी के उन्नाव में कुछ लोगों ने महिला से की बदसलूकी और मारपीट, वीडियो में पत्थरबाजी और डंडे बरसाते हुए नजर आए लोग। मुंबई के पवाई इलाके में एक बुजुर्ग बस से टकराकर गिर पड़ा, गनीमत रही कि बुजुर्ग को ज्यादा चोट नहीं आई, पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के पास ठाणे में एक दवा की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया, कैमरे में रिकॉर्ड चोरी की घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक्शन, फरार चल रहे दंपत्ति के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। पंजाब के अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, एमएसपी गारंटी की मांग पर मनावाला टोल प्लाजा पर धरना दिया गया। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में नर्सिंग भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच के दौरान हंगामा और मारपीट, नवीन जयहिंद और अधिकारियों के बीच हुई झड़प। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में मची भगदड़, हादसे में 3 लोगों की मौत, कंबल बांटने के दौरान मची थी भगदड़। गैंगस्टर राजू टेहट हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी उमेश गहलोत को किया गिरफ्तार, उमेश पर साजिश में शामिल होने और हथियार पहुंचाने का आरोप। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 40 लोगों की मौत, जबकि कई लोग गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने संजय त्रिपाठी की कार पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से कांग्रेस नेता की मौके पर हुई मौत। यूपी के हमीरपुर में शादी के घर में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा, गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी आग, 22 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से झुलसे। यूपी के गाजियाबाद में पीएचडी स्कॉलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, आरोपियों पर शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह पर फेंकने का आरोप। यूपी के ललितपुर में मिला लापता लड़की का शव, कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। गाजियाबाद में 3 लोगों की रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में चाइनीज लोन ऐप से लोन लेने वालों से अवैध रूप से वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया, डेस्कटॉप लैपटॉप समेत कई स्मार्टफोन और 135 सिम कार्ड जब्त। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की मौत से सनसनी फैली, पुलिस ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई। राजस्थान के भरतपुर में विधवा बेटी की शादी करने पर मचा बवाल, पीड़ित परिवार पर लगाया गया 51,000 का जुर्माना, राशन भी करवाया गया बंद, परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से की गई बछड़े और बछिया की शादी, इस अनोखी शादी में आसपास के 4 गांव से पहुंचे लोग। यूपी के कानपुर में घर से 35 लाख के गहने समेत कैश लेकर फरार हुए चोर, कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पंजाब के लुधियाना में डिलीवरी देने आए लड़के से मारपीट, कुरियर पसंद नहीं आने पर मालिक को गुस्सा आया, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक, हाथियों के झुंड से सैकड़ों एकड़ फसल को रौंदा, ग्रामीणों को लाखों का नुकसान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ती भीड़ पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक, नागरिक उड्डयन समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल, हालात बेहतर बनाने पर चर्चा। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, दोनों राज्यों के मंत्रियों की एक कमेटी बनाने पर हुआ फैसला। यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन पर साधा निशाना, का अपराधियों को सही ठहराने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पर दिया बड़ा बयान, जनरल नरवणे ने चीन को दुश्मन देश बताया, कहा चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है।
यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने किया समर्थन। अमेरिका पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। तवांग झड़प के बाद आज से ईस्टर्न सेक्टर में भारतीय वायुसेना का दो दिन का युद्ध अभ्यास। एलएसी के पास गरजेंगे सुखोई और रफेल जैसे फाइटर जेट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के लोगों का प्रदर्शन, चीन के खिलाफ जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प पर हाई अलर्ट घोषित किया गया। जम्मू में आतंकी संगठन टीआरएफ ने 34 कश्मीरी पंडितों को दी धमकी। टीआरएफ ने एक चिट्ठी के जरिए 34 कश्मीरी पंडितों के नाम और पते के साथ एक लिस्ट जारी की। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के राजनयिकों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। फाइनल में अर्जेंटीना से होगा मुकाबला। वर्ल्ड कप में फ्रांस की जीत पर हुआ बवाल। फ्रांस में भड़के मोरक्को के समर्थक, सड़क पर किया जमकर हंगामा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से बड़े हमले का दावा। ड्रोन से हुए हमले में शहर की 5 इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन ने किया रूस के 13 ड्रोन मार गिराने का दावा। बताया गया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को ढेर कर दिया। क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की तरफ से सीजफायर की कोई पेशकश नहीं की गई। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। रूस के टॉर्चर रूम में 400 बच्चों की मौत का दावा किया गया। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बर्फीले तूफान से आई आफत। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अमेरिकी राज्य में तूफान ने मचाई तबाही। बर्फीले तूफान में कई लोग लापता जबकि कई लोग हुए बेघर। और पेरू में हिंसक प्रदर्शन के बीच 30 दिन के लिए लगा आपातकाल। राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में चुनाव कराने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। ये छपरा का सदर अस्पताल है जहां पर कई लोग भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हो गई शराबबंदी को लागू करने में। या तो आप बेकार हो गए, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। हम लोग तो हर सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो बिहार में जहरीली शराब का मामला अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। राज्यसभा में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया गया और हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिहार शराब कांड को लेकर, जिसको लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। लगातार इसको लेकर कई सवाल जवाब यहां पर होते हुए नजर आए, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बेतु का बयान सामने आया कि जो पिएगा वो मरेगा ही। इसके बाद से ही लगातार उनके बयान को लेकर चारों तरफ आलोचना होती हुई और अब राज्यसभा में भी ये मामला उठा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो बिहार के शराब कांड की आग दिल्ली